पाशांकुशां भयवरां दधतं गजाश्यां रक्तांबरं सकलविघ्नहरं गणेशं ध्यायेत् प्रसन्नमखिला भरुणाभिरामं संपूज्य कानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां चतपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् गणेश सदा परिभवत्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमो लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वन्तरीश्चन्द्रमा धेनु कामदुधा रम्भाच देवांगना अस्वशक्तमुखो विषं हरिधनं शंखो मृतं चाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्रैव गङ्गा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितो धारकथा प्रसङ्ग निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुभमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबतु भागवतं रश्मालयं मुहुर्हो रसिका परम कल्याणमय परापराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस के प्रथम सत्र की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और ये हमारा संकल्प शुभ पूर्ण हो हमारे तन मन को पवित्र कर पाए हमारे जन्म जन्मांतरों के कलुष को परिमार्जित करके पावन करके पवित्र करके और हरिनाम संकीर्तन के अमृत को धारण कर सके हमारा मन इसलिए आइए मन के कलश को पावन पवित्र करें जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल गी
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय राधिका रानी की मनुष्य का स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। सब कुछ छोड़ सकता है प्राणी, लेकिन जन्मजात स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे दूध चाहिए, स्वार्थ है दूध का, इसलिए दूध चाहिए, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही बचपन में भी किसी भी चीज के लिए जिद करता है तो अपने माता पिता के सामने रो रो करके अपनी बात मनवा लेता है, स्वार्थी है। फिर आगे बढ़ता है, जैसे माता पिता को उसकी आवश्यकता होती है तो फिर वो मूछें आ जाती है उसके, फिर माता पिता की वो परवाह नहीं करता। लेकिन जब उसके कर्म प्रारब्ध के कारण जब उस पर डंडा पड़ता है परमात्मा का, तो परमात्मा के डंडे में आवाज नहीं होती, तब उसे ईश्वर याद आता है। इसलिए सुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना को
यदि सुख में ही सुमिरन कर ले तो फिर दुखी काहे को हो, लेकिन अगर सुख में सुमिरन सब करे और दुख में नहीं करे तो दुख होने का तो सवाल ही नहीं। यदि सुख में ही सुमिरन कर ले तो दुख क्यों होगा? इसलिए ये बात गलत है, यदि सुख में व्यक्ति सुमिरन करता है तो दुख होने का सवाल ही नहीं है। यदि प्रभु का स्मरण करेगा तो निश्चित रूप से उसे दुख नहीं होगा। इसलिए इसे यूं कहना चाहिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करता रहे तो उसे दुख नहीं होगा, लेकिन सुख में भगवान के सुमिरन का अवसर नहीं मिलता। जब व्यक्ति सुखी होता है, जब व्यक्ति संपन्न होता है, जब व्यक्ति समृद्ध होता है तो उसके पास बहुत सारे संगी साथी रिश्तेदार उसके आ जाते हैं, और दूर दराज के रिश्तेदार भी आ आ करके कहते हैं, अरे भैया मैं तेरा भाई साहब हूँ, मैं तेरा काका हूँ, मेरे तेरा दाऊ हूँ, मैं तेरा ताऊ हूँ। सुख के समय पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार आ जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है, सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम वन बिहारी लाल की। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, जानको।
सब ये संसार में ही है, संसार में आने के बाद मिले और संसार से जाने के समय यही रह जाएंगे, ये कोई साथ जाने वाला नहीं है, तब फिर इनके लिए पाप की कमाई करने से क्या अर्थ है। ईश्वर ने हमें ये कर्तव्य दिया है तो ईमानदारी की कमाई से, ईमान से इनका भरण पोषण करें तो ये बोझ नहीं बनेगा। और यदि परिवार पालने के लिए अनैतिक मार्गों का अनुसरण करेंगे तो वो पाप की गठरी हमारे ही सिर पर जाएगी, हमारे जो हमारी कमाई को भोगने वाले यही रह जाएंगे, उन्हें उस पाप का फल न लगने वाला है, हमें ही उस पाप का फल लगने वाला है। इसलिए दुख के साथी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सुख के साथी स्वार्थी होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि प्रभु की लीला में ही सार है, इसीलिए बड़े प्रेम से कहते रहें राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद हे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 जाम 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 राधे 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 जाम 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 श्याम श्याम घन श्याम सरस्वती मात की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री वृंदावन विहारी लाल की
काशेश्वरी राधिका रानी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री जगदम्बे मात की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम 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 रमहु कृष्णहु रमहु कृष्णहु रमहु से श्रीमद् भागवत भगवान का ये दर्शन हमें हो रहा है। कहते हैं कि भगवान बोलते नहीं हैं, महात्म्य के समय आया था कि जब भगवान परम धाम जाने लगे तो उद्धव ने अपनी चिंता बताई थी कि प्रभु आप अपने धाम पर जा रहे हैं तो ये तो बताइए ये धरती किसकी शरण जाएगी, ये धर्म किसके शरण जाएगा, आपके बिना आपके भक्तों का क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सोच करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस ग्रंथ रत्न में अपने तेज से समाहित हो गए, तभी से ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप ही माने जाते हैं। चार भुजानाथ की मूर्ति मंदिर में विराजमान है, उस अनंत अविनाशी जिसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक बात बताऊं, ये मंदिर मूर्ति माला पूजा पाठ ये तभी तक है जब तक कि बुद्धि विस्तृत नहीं हो जाती। बुद्धि विस्तृत नहीं हो जाती यानी बुद्धि शरीर से बाहर ना निकल जाती। बुद्धि प्राण नहीं, बुद्धि की बात बता रहा हूं मैं, प्राण निकलने के बाद तो फिर ये मिट्टी है। बुद्धि इस शरीर से बाहर नहीं निकल जाती तब तक मंदिर का महत्व है, मूर्ति का महत्व है, पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि आदि। लेकिन जैसे ही बुद्धि बाहर निकलती है, बाहर निकलने से मतलब जब उसने अपने अंतरात्मा को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, तो उसे ये पता लगता है कि अरे जो मैं हूं वही तो इन सब में बैठा है। और जब वही इन सब में बैठा है तो फिर वो तो कण कण में व्याप्त है। गुरु नानक देव हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े सुधारक हुए हैं, गुरु नानक देव। दुर्भाग्य से उन्हें कुछ लोग अलग बताने लग गए, लेकिन बताने से क्या होता है, वो हमारे संत हैं, हमारे महापुरुष हैं, हिंदू दर्शन के बहुत बड़े सुधारक हुए हैं। वे काबा में गए और काबा में जाकर के, काबा से मतलब वो हज में, और वहां जाकर के काबे की तरफ ही पैर करके सो गए। तो वहां मौलवी ने कहा कि ए इधर पैर करके क्यों सो रहा है, इधर काबा है। गुरु नानक देव ने कहा कि काबे का मतलब ईश्वर, अब तू मुझे बता दे जहां ईश्वर ना हो उधर पैर करके सो जाता हूं। ये संत की दृष्टि है। एक संत के दो शिष्य थे, संत का बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, किसको उत्तराधिकारी बनाऊं। तो दोनों शिष्यों में से किसी एक को ही उत्तराधिकारी बनाना था। मठ के महंत थे,
किसी छिछली बुद्धि वाले को, छोटी बुद्धि वाले को महंत का दायित्व नहीं दिया जा सकता। बहुत बड़ा दायित्व होता है, पूरे समाज के प्रति उसके कर्तव्य होते हैं, पूरे राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य होते हैं। तो उन्होंने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए दोनों को एक एक फल दिया और कहा कि इस फल को ऐसी जगह बैठ करके खाना जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। इस फल को ऐसी जगह बैठ करके खाना जहां तुम्हें देखे नहीं। वो दोनों शिष्य गए और एक शिष्य ने तो फटाफट अपने कमरे में गया, ताला बंद किया और देख लिया कि खिड़की वगैरह सब बंद कर दिया, सारी सिंदे वगैरह सब बंद की और अब कोई नहीं देख सकता हमें। और उसने वो फल खा लिया और खा करके तुरंत गुरुदेव के पास आ गया। गुरुदेव मैंने खा लिया फल, किसी ने नहीं देखा मुझे। गुरुदेव ने कहा बैठ जा। अब वो दूसरा शिष्य था, वो बेचारा कमरे में भी गया लेकिन उसने कहा कि यहां भी वो तो देख ही रहा है। फिर बाहर गया, जंगल में गया तो जंगल में भी उसे वृक्षादिक में भी वही नजर आया, यहां भी वो तो देख ही रहा है। जहां भी गया उसे वो तो नजर आया। तब गुरुजी के पास वो फल ला करके कहा, गुरुदेव मुझे कोई भी स्थान ऐसा न लगा जहां प्रभु का वास न हो, मुझे तो हर कहीं प्रभु का वास नजर आता है, इसलिए मैं ये फल नहीं खा पाया। आप इसी को उत्तराधिकारी बना दें, मुझे तो जहां भी देखा वहीं कम से कम प्रभु का तो सानिध्य मुझे मिला ही। जय हो। तब उस महात्मा ने उसी शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब संत की दृष्टि अनंत हो जाती है तो अनंत भगवान उनके अंदर आ जाते हैं। मन जब अनंत हो गया, मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, मन जब अनंत हो गया, मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देखने वाली बात यही है कि हम अपने ईश्वर को किसी, ये ठीक है कि उस अनंत को हम पूजने कहाँ जाएं, इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने ये व्यवस्था दी है कि उसी अनंत को आप मूर्ति के अंदर अपनी ध्यान कर सकते हो, भावना कर सकते हो, अपनी पूजा का निवेदन कर सकते हो। यहाँ तक ठीक है, लेकिन वास्तव में तो वो ईश्वर इन सब में बसा हुआ है, उन सब में बचा हुआ है। चींटी, मकोड़ी, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, सभी में, गधा, शीतला माता की सवारी गधा है, भैरू जी का वाहन कुत्ता है, माता जी का वाहन सिंह है। ये क्या है? ये सब यही है कि इनमें ईश्वर है। यदि इन सब में ईश्वर देखना प्रारंभ हो गया तो फिर न किसी मंदिर की आवश्यकता है, न किसी अनुष्ठान की आवश्यकता। ये सब मन की शुद्धि के लिए है। मन शुद्ध हो गया यानी परमात्मा का आविष्कार हो गया। और मंदिर का भी महत्व तभी तक है जब मंदिर में सत्संग होता रहे, मंदिर से ये संदेश मिलता रहे समाज को कि उसका परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, विश्व के प्रति क्या कर्तव्य है। ये यदि संदेश मिलता रहे मंदिर से तो मंदिरों की सार्थकता है। और मंदिर केवल मंदिर के पट में ही बंद हो गया तो उस मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कश्मीर के मंदिरों पर ताले लगे हुए हैं,
मंदिर जब समाज के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं तो उन मंदिरों के ताले ही लगा करते हैं। इसलिए मंदिरों का महत्व हमें समझना पड़ेगा, और मंदिरों का सबसे बड़ा महत्व यही है कि वो समाज के लिए सबसे बड़े उपयोगी हों। और वो कैसे उपयोगी हों कि समाज को ये दिखाएं कि ईश्वर को ढूंढने मंदिर में नहीं आना, मंदिर में आकर के तुम्हें भगवान का पता लगेगा, भगवान कहाँ है। भगवान का पता यहीं से मिलेगा, ये पोस्ट ऑफिस है भगवान का, यहाँ से पता लेकर के जाओ भगवान कहाँ मिलेंगे। गाय को रोटी दो, वो धरती माता का रूप है। प्राणी मात्र को पोषण दो, वो सारे ईश्वर रूप है। इसलिए जब ये संत जब मन अनंत हो जाता है, मन किसी सीमा में नहीं बंधता, तब वो संत हो जाता है, उसी को संत कहते हैं। इसीलिए बड़े प्रेम से कहिए, मन जब अनंत हो गया, मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रोम रोम संत हो गया। हाँ, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म का सबसे बड़ा सार यही है। इसी बात को समझाने के लिए 18 पुराण लिखे हैं व्यास जी महाराज ने। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। समझ गए? अष्टादश पुराण लिख दिए व्यास जी ने, लेकिन इन 18 पुराणों में केवल दो ही शब्द हैं। दो ही शब्दों का विस्तार है 18 पुराण। क्या? परोपकाराय पुण्याय। यदि परोपकार करते हो तो वो पुण्य है, और पापाय परपीडनम, किसी को पीड़ा पहुंचाते हो किसी भी रूप में, चाहे किसी को दकाल करके, क्रोध की भाषा बोल करके, चाहे किसी को नुकसान पहुंचा करके, किसी भी प्रकार में पीड़ा पहुंचाते हो, वो पाप है। तुलसी बाबा ने भी कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सारे शास्त्रों का सार ये है, जिसने इस बात को समझ लिया वो धन्य है और वही संत है। बड़े आनंद से भागवत कथा की ये रसधारा बही जा रही है। मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु महाराज के 3 कन्याएं हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति को कर्दम से 9 कन्याएं हुई थी, जिनका विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रताप प्रजापति के साथ हुआ। अब कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन सुने। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप, पूर्णिमा 2 संतानें हुई, और अत्रि अनुसूया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा, इस रूप में 3 पुत्र हुए। परीक्षित ने कहा कि भगवान, अब तक तो मैंने सुना था कि नारायण ने अवतार लिया है, लेकिन आप कहते हो कि चंद्रमा, ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में, शिव ने दुर्वासा के रूप में, और विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में अत्रि और अनुसूया के यहाँ लिया। ये कैसा चमत्कार है प्रभु? क्या सांसारिक दंपतियों की इतनी भी महत्ता होती है कि त्रिदेव वहां आकर के अवतार लें? गृहस्थ धर्म की महत्ता देखना। देखिए, जैसा चश्मा होगा ना वैसा ही नजर आएगा। इसे कुछ ऐसा वैसा मत समझना। कल जो दीति और कश्यप के बीच का संवाद आया था, ये बहुत ज्ञान का विषय है। सभी गृहस्थों को ये ध्यान रखना चाहिए। गर्भाधान का मुहूर्त होता है, गलत मुहूर्त में यदि गर्भाधान हुआ तो गलत पुत्र पैदा होगा और तुम्हारी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे नवयुवकों को, दंपतियों को ये समझना चाहिए कि समय कौन सा उचित है।
इसी प्रकार हमारे दंपत्ति जब अत्रि और अनुसुईया की तरह के होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को वहां जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि पिता अत्रि जैसा हो और माता अनुसुईया जैसी हो। अब आप कहेंगे कि भाई अत्रि अनुसुईया में ऐसा क्या था? तो अत्रि और अनुसुईया ने भगवान से तपस्या की थी कि जो भी इस सृष्टि का नियंता है, न उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की, न विष्णु की तपस्या की, न शिव की तपस्या की, किसी नाम से तपस्या नहीं की। उन्होंने कहा जो इस सृष्टि का नियंता है, जो पालन करता है, जो विनाश करता है, जिसके इशारे पर ये सूर्य उग रहा है, जिसके इशारे पर चंद्र उग रहा है, जिसके इशारे पर सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, उस परम शक्ति का हम उपासना करते हैं, उनकी उपासना की तो फिर कौन आए? ब्रह्मा जी तो केवल प्रकट करते हैं, शिव जी केवल संहार करते हैं, नारायण केवल पालन करते हैं, और वो तो तीनों की कर रहे थे तो तीनों ही गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। अब नारद जी एक दिन नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर पहुंच गए। माता पार्वती ने कहा कि अरे आओ नारद, बड़े दिनों में आए। बोले क्या बात हुई माता, कोई चक्कर तो नहीं है? माताएं जब प्रेम से बोलती है तो बड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए आप कोई बात हो तो बता दो दूर से। बोले नहीं नहीं, बड़े दिनों में आया, बहुत याद आ रही थी तेरी। नारद जी ने कहा कि माता देखो, अगर कुछ खिलाना पिलाना चाहती हो तो भूख नहीं है। बोले क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? और दिन तो तू भूखा मरता आता था। बोले माता जी भोजन है क्या, भोजन है क्या, आज क्या बात हो गई, भूख क्यों नहीं है? उसने कहा कि माता अनुसुईया के यहाँ ऐसा लड्डू खाया है कि बस पूछो मत, तीन दिन तक भूख लगने का काम नहीं है। पार्वती ने कहा कि ये माता अनुसुईया कौन है? नारद जी ने कहा ओ माता अनुसुईया को नहीं जानती? ओहो गजब हो गई बात, फिर तुम क्या जानती हो? पार्वती ने कहा कि अच्छा, इतनी महान है क्या माता अनुसुईया? कि हाँ हाँ, वो महासती माता अनुसुईया है। कि अच्छा, अरे नारद एक बात तो बता, क्या मेरे से भी बड़ी सती है? नारद जी ने कहा तुम तो उसके पांव के पासंग पे भी नहीं लगती, वो तो महासती है। पार्वती ने कहा अच्छा, सोच हो गया पार्वती जी को। नारद जी ने कहा अच्छा मैया, मुझे कुछ खाना पीना नहीं, मैं आगे चलता हूँ। वो वैकुंठ में गए और वहां जाकर के लक्ष्मी जी माता से बोले, माता लक्ष्मी प्रणाम। लक्ष्मी जी बोले आओ नारद। तो वहां भी वही लीला। बोले माता खाने पीने के लिए मत करना, मैं भोजन करके आया हूँ, बड़ा स्वादिष्ट लड्डू बढ़ाया माता अनुसुईया ने। बोले ये अनुसुईया, बोले महासती, बोले मुझसे भी बड़ी, तुम तो कुछ भी नहीं। ब्रह्माणी जी से भी जाकर के ऐसा ही कहा। तब तीनों देवियों ने, त्रिदेवियों ने एका किया कि नारद ऐसा कह रहा था, क्या ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये नारद की लीला है। और तब तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा कि आज भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। बोले क्यों? कि वो सती का सतभंग करके आओ। वो कौन सी सती हो गई, उसकी परीक्षा लेकर के आओ। कि अरे तुम्हारी ये क्या जज गई, सतियों की परीक्षा कोई नहीं ले सकता, सतियों के सत से कोई पार नहीं पा सकता। कि नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। तो भाई साहब, अब सतियों के आगे तो शिव को हारना ही पड़ता है। महाशक्तियां, अब देख लीजिए ना, यहाँ शिव तो उधर घुस रहे बैठे हैं, शक्तियों का साम्राज्य है सब तरफ, तो शक्तियों का साम्राज्य होना ही है। उनको भेजा गया और जैसे ही वो गए चित्रकूट के घाट पर, मंदाकिनी नदी के किनारे, और वहां जाकर के स्नान किए। इतने में ही तीनों मिल गए देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि अरे भाई आज तो बस इधर आए थे, अत्रि आश्रम तक जाना है। बोले हमें भी वहीं जाना है। बोले क्या बात है? कि ऐसी ऐसी बात है तो ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, सन्यासी का वेश बनाया और अत्रि के आश्रम पर चले गए। अत्रि तो बाहर कहीं गए हुए थे और अनुसुईया जी बाहर आई, प्रणाम किया, अतिथि देवो भव, प्रणाम किया। प्रणाम करते ही और उन तीनों ब्राह्मणों ने कहा कि माता भिक्षां देई,
माता कगर के कहा भिक्षान दे ही, बोले बिल्कुल लीजिए साहब, कि नहीं हम ऐसे नहीं लेंगे, हम तो यहीं भोजन करके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, भाग चेते हमारे अंदर पधारिए। वो बैठ गए और माता भोजन परोसने लगी तो कहने लगी नहीं ऐसे नहीं, हमारा तो ये संकल्प है, ये वस्त्र वगैरह अपवित्र है, तुम्हारे इन वस्त्रों को अलग रख दो। नग्न होकर के भोजन परोसो ऐसा नहीं कहा, वस्त्रों में कितनी तरह की अशुद्धियां होती है, यहाँ कोई ऐसा वैसा कोई बात है ही नहीं, वस्त्रों में कितनी तरह की अशुद्धियां होती है, इसलिए इन वस्त्रों को अलग रख दो तब हमें भोजन परोसो। लेकिन बात तो वो भी थी सही, आखिर अपरिचित संतों के आगे या ब्राह्मणों के आगे किस प्रकार से वस्त्रों को अलग रखा जा सकता था। माता सोच में पड़ गई, अंदर गई और अंदर जाकर के और अपने पति के कमंडलू से जल लिया मंदाकिनी का और कहा कि यदि मैंने स्वप्न में भी सती का सत कहां होता है ये देखना, यदि मैंने स्वप्न में भी, वास्तविकता में नहीं कि स्वप्न में भी अगर किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है, मनसा वाचा कर्मणा मैं अत्रि ऋषि की ही समर्पिता हूँ, उन्हीं के चरणों में मेरा ध्यान सदैव सदा के लिए लगा रहता है, तो उस तप बल से, उस सत्य के बल से ये तीनों बालक बन जाएं। और वो छह छह महीने के बच्चे बन गए। ये सत का, सती का सत है, ब्रह्मा विष्णु महेश दूध पीते बच्चे बन गए। और माता अनुसुईया ने नग्न होकर के उन्हें अपना स्तन पान कराया और पलने में सुला दिया। महर्षि अत्रि आए, तीन पाल ने, तीन तीन पाल ने झूलते पाए अपने आश्रम में, तो अनुसुईया जी से बोले कि अरे देवी ये क्या है। बोले आपके बेटे हैं। कि अच्छा मेरे बेटे हैं, मुझे तो पता ही नहीं लगा एक बार में तीन। हाँ ये आपके ही बेटे हैं। अच्छा ठीक है भाई, देवी तो जैसी तुम्हारी। अब इतने में एक दिन बीता, दो दिन बीते, दस दिन बीते, लक्ष्मी जी पार्वती जी और ब्रह्माणी जी सोच रही कि क्या करें, अभी तक नहीं आए, सारी सृष्टि के काम रुक गए, न तो सृष्टि हो पा रही है, न पालन हो पा रहा है, न विनाश हो पा रहा है, संहार हो पा रहा है, सारे काम रुक गए, तो तीनों देवियां मिली कि क्या करें, वो तो आई नहीं कि हाँ। इतने में नारद दूर से नजर आए, नारायण नारायण, अरे नारद आ रहे, तूने कौन सी लीला चलाई है, कहाँ गए वो तीनों, कि देखो मैं स्त्रियों के पास नहीं आता, मैं दूर, आजकल व्रत चल रहा है, मैं नहीं आऊंगा पास में। बोले तो ये तो बता वो कहाँ गए हैं, कि देखो अगर तुम जा सकती हो तो चित्रकूट चल जाओ, चित्रकूट में अत्रि के आश्रम पर माता अनुसुईया की गोद में तुम्हारे तीनों के पति बिल्ली के बच्चे की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। तीनों देवियां वहां गई और वहां जाते हैं माता अनुसुईया ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही उनके पगां लागी। तीनों देवियां, ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती, तीनों देवियां पगा पैरों लगती है ना, सासू के बहुएं पैरों लगी, पांव लगते हैं कि हाँ अखंड सौभाग्यवती भव, दूधा ना हो पूता फलो वगैरह वगैरह, जो आशीर्वाद होता है वो आशीर्वाद दिया। बोले कैसे आना हुआ, कि माताजी हम आपकी बहुए हैं। अच्छा बहुए हैं तो झाड़ू निकालो बर्तन माजो, बहुए क्या करेगी, झाड़ू निकालो बर्तन माजो, घर का काम करने लग जाओ। और सब करके काम करने लग गई, कोई बर्तन माजने लग गई, कोई बुआरा निकालने लग गई, कोई क्या करने लग गई, और सासू जी बैठे बैठे आनंद से सबसे काम करवा रहे हैं। इतने में अत्रि ऋषि आए, अत्रि ऋषि ने देखा कि तीन तीन महिलाएं वहां काम कर रही है, अनुसुईया से पूछा कि ये कौन है, कि ये आपकी बहुएं। क्यों रे, एक एक हाथ के तो बेटे और छह छह फुट की बहुएं, तेरा भी काम भारी है भाई देवी, ये क्या बात है, एक एक हाथ के बच्चे और छह छह फुट की बहुएं, ये क्या बात हुई। चलो ठीक है, बड़े बहु बड़ा भाग, अच्छी बात है। इतने में माता के पैर पड़ के तीनों देवियों ने क्षमा याचना की, हमें क्षमा करो माँ, और इस प्रकार से हमारे पति को अपने पूर्व रूप में लाइए। तो माता अनुसुईया ने पुनः मंदाकिनी का जल हाथ में लेकर के उन पर छिटका और अपने पूर्व रूप में आए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये वरदान दिया
और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, जो संतों के बड़े परम गुरु माने जाते हैं, परम योगियों के गुरु माने जाते हैं, दत्तात्रेय का जन्म हुआ। और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। इस प्रकार से अत्रि और अनसुया की संतति का वर्णन करते हैं। और इस प्रकार धर्म की 13 पत्नियां हैं, श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति आदि, प्रतीक्षा। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करें तो धर्म सार्थक होता है। श्रद्धा बहुत आवश्यक होता है, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। अब नामदेव जी के पिता कहीं बाहर गए तो वहां विट्ठल नाथ जी की सेवा थी, तो कह गए कि बेटा विट्ठल नाथ जी को बढ़िया भोग लगाना और उनका प्रसाद पा लेना। अब नामदेव जी के तो मन में ये बात बैठ गई कि भगवान भोग लगाएंगे, तो वो खीर का कटोरा लेकर के विट्ठल नाथ जी के सामने बैठ गए, बोले भोग लगाओ भोग लगाओ, वो भोग ही नहीं लगाए। तो नामदेव जी ने सोचा कि कहीं नाराज हो गए, मेरे पिता यहाँ नहीं है इसलिए नाराज हो गए होंगे, इसलिए वो बड़ी अनुयायी विनय कर रहे हैं, बाहर जाते हैं अंदर आते हैं कि देखो खीर के कटोरे में हो सकता है शक्कर नहीं हो, क्या शक्कर कम है क्या। तो अंदर जाकर के फिर शक्कर ले आए और ये लो तुम्हारे सामने फिर शक्कर डाल रहा हूं, अब तो मीठा हो गया होगा, अब तो जीमो। जब कोई हलचल नहीं हुई तो नामदेव ने कहा कि ये तो मेरे पिता के सामने शिकायत करेंगे और मेरी सामत आ जाएगी, देखो विट्ठल यदि तुम्हें मुझे जीवित रखना है तो जीम लो, वरना तुम्हारे सामने सिर फोड़ करके जान दे दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता किसी तरह की शिकायत करें, आज पता नहीं कैसे तो आपकी सेवा का दायित्व मुझे दिया है और आज ही अगर आप भूखे रहे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने पिता को, और शिला पर अपना माथा मारने लगे। इतने में भगवान मूर्ति में से निकल करके खीर आरोगने लगे। बोले विट्ठलनाथ भगवान की। श्रद्धा, भगवान खीर आरोगने लगे और जब खीर पूरी खत्म करने लगे तो नामदेव ने कहा कि रे 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 रे, मुझे भूखा रखने का इरादा है क्या? पिताजी तो मुझे खीर का कटोरा प्रसाद रूप में देते थे, सारी खीर तुम खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे लिए बचाओ भाई थोड़ा। भक्ति भाव में भगवान होते हैं, श्रद्धा से ही धर्म की आराधना हो सकती है। इसलिए आगे कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की छोटी जो कन्या थी उसका विवाह शिव जी के साथ हुआ था और पिता के किसी कारण से रुष्ट हो जाने के कारण यज्ञ में उन्होंने अपना देह भस्म कर दिया था। तो परीक्षित कहते हैं कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवात्सला विद्वेष मकरोत्कस्मा नात्रित्यात्मजा सती। दक्ष प्रजापति तो बड़े शीलवान हैं, अपनी संतति से बड़े प्रेम करने वाले हैं, फिर सती से उन्होंने इस प्रकार का कलह किया कि सती ने अपने प्राण दे दिए, ऐसा कैसे हुआ? कस्तम चराचर गुरुम निर्वेरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्विष्टि जगतो देवतम महत्। दक्ष प्रजापति भी अपनी संतति से प्रेम करने वाले थे तो भोलेनाथ भी तो फिर निर्वेर हैं, भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं साहब, चराचर के गुरु हैं भोलेनाथ। जिसका कोई गुरु नहीं होना उन्हें शिव जी को गुरु मान लेना चाहिए।
क्योंकि वो चराचर के गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। तो आत्मा राम हैं, फिर उनको उनके और दक्ष के बीच में कलह हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। संत ज्ञानेश्वर के ये वचन हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं विश्व के, उन सब के गुरु बाबा भोलेनाथ ही हैं। तो ये द्वेष का कारण क्या है, कृपया ये समझाइए। विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से पूछा तो मैत्रेय जी कहने लगे कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म शत्रु हुआ था। गरुड़ जब अमृत लेकर के जा रहे थे तो चंद्र सूर्य गुरु ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। सूर्य और गुरु ने अमृत कुंभ की रक्षा की और इनकी त्रिग्रही में ही महाकुंभ वहां होता है। इस ब्रह्म सत्र में शिव जी अध्यक्ष के आसन पर थे। उसी समय दक्ष प्रजापति यज्ञ में आए तो सब लोग तो खड़े हो गए, ब्रह्मा और शिव खड़े ना हुए। ब्रह्मा जी तो दक्ष के भी पिताजी थे, समझ में आ गया, लेकिन शिव तो उनके दामाद थे। अब उनका अपमान करने के खड़े लिए खड़े ना हुए हों ऐसी बात नहीं है। देखिए भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनका कब ध्यान लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वो अध्यक्ष के आसन पर बिठा दिए तो अध्यक्ष का आसन तो वैसे भी मिट्टी का माधव होता है। किसी भी समारोह में अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना, आज भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, भाई आज की अध्यक्षता ये करेंगे, तो बेचारा अध्यक्ष कुर्सी पे बैठा बैठा ऊँगता रहता है, उसको कुछ काम ही नहीं होता। जो भी काम है, सचिव वगैरह, किसी भी संस्था का भी अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष तो केवल प्रेसिडेंट होता है वो, तो बस बाकी काम तो सारे सचिव और महासचिव करते हैं। तो भोलेनाथ अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष को कोई काम तो होता नहीं, तो नारायण का ध्यान करने लग गए, आंख मूंद करके समाधि लगा ली, नारायण का ध्यान करने लग गए। अब दक्ष के आने का उनके पता चले तो उठे, इसलिए शिवजी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन शिव नहीं उठे तो दक्ष के मन में ये क्रोध आ गया कि देखो ये शिव अपने पिता ब्रह्मा के कहने से मैंने इसे अपनी पुत्री दे दी, लेकिन ये देखो कैसा व्यक्ति है। इस प्रकार से दक्ष को अच्छा न लगा और शिव जी की निंदा की। किंतु जो दक्ष ने निंदा की ना, तो कुछ संत विद्वानों ने इसमें से भी प्रशंसा के स्वर निकाल लिए। दक्ष ने तो निंदा की है, लेकिन संत तो वो है कि निंदा में भी स्तुति के स्वर निकाल ले। किस प्रकार? दक्ष ने सबसे पहले कहा कि ये शमशानवासी, मसानों में रहने वाला ये शमशानवासी है, आचार विहीन है, गुण धर्मों से रहित है। सीधे सीधे अपशब्द हैं, शमशान में रहने वाला है, आचार विचारों से हीन है, गुणों से रहित है, सीधे सीधे अपशब्द हैं। लेकिन संत महापुरुषों ने कैसे अर्थ निकाले हैं कि शमशान वासी है। अब शमशान क्या है? शमशान सबसे पहली बात तो ये बता दें आपको कि द्वापर में जब कर्ण का वध हुआ था तो कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्ण तुम महावीर हो, तुमने अपने दायित्वों का अच्छा निर्वाह किया है, मांगो क्या वर मांगते हो। तो कर्ण ने एक वर मांगा था कि प्रभु मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह हो जहां आज तक किसी का नहीं हुआ हो, बिल्कुल अछूती भूमि हो। भगवान श्री कृष्ण पूरे त्रिलोकी में घूम गए लेकिन कहीं भी ऐसी जगह न मिली जहां किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। केवल एक पैर भूमि मिली, उस पर एक पैर पर खड़े रहे भगवान और दोनों हाथों में लेकर के कर्ण का दाह संस्कार किया। यानी ये जो एक पैर बचा हुआ था वो भी द्वापर में पूरा हो गया। अब तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां दाह संस्कार नहीं हुआ हो। पहला तर्क तो ये कि पूरा संसार शमशान भूमि है, और दूसरा तर्क ये कि ये संसार को मृत्यु लोक भी कहते हैं और मृत्यु लोक का समानार्थक होता है शमशान।
मृत्यु लोक का समान अर्थक शमशान है, इसलिए भगवान भोलेनाथ यहीं के निवासी है। काशी जी महाशमशान है। काशी जी की तो शमशान की महत्ता इतनी अधिक है कि कोई अगर कर्नाटक में भी मरता है और अगर वो सक्षम है और काशी जी की भूमिका समझता है तो कर्नाटक से भी शव को ला करके वाराणसी में और वहां दाह संस्कार करने का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से लोग तो जीते जी काशी जी में आ जाते हैं और काशी जी में आकर के अपने मरने की बाट देखते हैं कि मैं यही मरूं तो मेरे यही जलूं। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है। काशी महान शमशान है। भोलेनाथ काशी में हैं, भोलेनाथ कैलाश में हैं, यानी इस भूमि पर है। और चूंकि ये मृत्यु लोक है इसलिए मृत्यु लोक शमशान को ही कहते हैं। अब कहते हैं कि गुण दोषों से रहित है, सही बात है। भगवान शिव तो प्रकृति के गुणों से बिल्कुल रहित है। प्रकृति के गुणों में आ गए तो फिर भगवान ही क्या रहे, इसलिए वास्तव में सही है। तो इसने कितनी प्रकार से निंदा की, लेकिन भगवान भोलेनाथ वहां से तब चले गए। और भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, उनके दरबार में सबका आगमन है। राम जी के दरबार में केवल वही जा सकता है, ध्यान देना, बहुत महत्व की बात आ रही है। राम जी के दरबार में केवल वही जा सकता है जिसने राम की तरह मर्यादा का पालन किया हो, जिसने प्रत्येक स्त्री में माता का दर्शन किया हो, वही राम के दरबार में जा सकता है। अन्य कोई नहीं जा सकता, और अन्य कोई भूत पिशाच तो जिसमें जा ही नहीं सकते, क्योंकि दरवाजे पर हनुमान जी घोटा लेके बैठे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी घोटा लेकर के बैठे हैं, ऐसे वैसे व्यक्ति का राम दरबार में प्रवेश नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माल्यार्पण करके और भगवान का स्वागत करें। संत भगवान आए हैं बड़े भाग्य से। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, हे जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे। ओ अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, बोलिए गुरुदेव महाराज की। देव पधारे अरंद मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे।
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। बड़े भाग से संतों के दर्शन होते हैं और जहां भागवत होती है वहां तो भगवान भी साक्षात रूप से पधारते हैं। और जब पहले संत आते हैं ना, देखिए जब प्रधानमंत्री आते हैं, कहीं भी अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो सबसे पहले तो जिला कलेक्टर की जीत निकलेगी,